अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बताओ बेटा, हमारे घर हमारी बेटी बनकर रहोगी? चलोगी मेरे साथ? पता है, हमारी एक बेटी थी वृंदा, 2 साल की थी, तो पता नहीं उसे कोई चुरा ले गया। उसके जाने का सदमा जानकी झेल ही नहीं पाई, बस तब से एक प्लास्टिक की डॉल को अपनी बेटी मान बैठी। बस एक पल भी खुद को उससे अलग नहीं करती, उसे लोरी सुनाती है, उसके साथ सोती है, उसके बालों में तेल लगाती है। वो हर एक वो काम करती है जो एक मां अपनी बेटी के लिए करती। बाकी माओ जैसी ही है जानकी, बस फर्क इतना है कि उसे कोई मां बुलाने वाला नहीं है और सालों से इसी चीज का इंतजार कर रही कि कोई उसे मां बुलाए। और इसी इंतजार में जानकी की दिमागी हालत दिन बर दिन खराब होती चली जा रही। भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी भाभी वृंदा रो रही है, अरे इसे शायद दर्द हो रहा है। भाभी हाँ क्या हुआ वृंदा? ये देखिए इसे दर्द हो रहा है, शायद मम्मी जी को भड़काने के लिए सबूत। मम्मी जी से देखते ही आज के आज भाभी को पागल खाने भेजेगी। और बेचारे भाई साहब मुंबई में ढूंढते रहे इलाज। मैं तो चली। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अगर हम किसी बच्ची को वृंदा बना के घर लाएंगे ना तो जानकी एकदम ठीक हो जाएगी। कोई ऐसी बच्ची जो दूसरों का दर्द समझ सके, उसे प्यार कर सके, और वो खासियत मैंने तुम्हारे अंदर देखी। प्लीज बेटा, चलोगी मेरे साथ हमारे घर, हमारी बेटी बनकर रहोगी? साहब ये इमोशनल ज्ञान पढ़ी ना किसी और को जाके दिखाना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आप जैसे अमीर लोगों को। ये सब ना आप अमीर लोगों के चोचले समझे, इसे प्यार से अपने घर पे लेके जाएंगे, फिर इससे ना अपने काम करवाएंगे, झाड़ू पोछा कराएंगे। आपको बेटी नहीं चाहिए, आपको काम वाली चाहिए। तुलसी नो गो यू गो शीनो पोछा गो गो। देखिए मैं जिस रायचंद परिवार से हूं उन्होंने मुझे भी गोद लिया था, और यकीन मानिए वो फर्श पे नहीं सुलाते, पलकों पे बिठा के रखते। आपकी तुलसी को भी पलकों पे बिठा के रखेंगे, और मैं इसे ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, कायदे से गोद लेके अपनी बेटी बना के ले जाऊंगा। सेठ ये मेरा परिवार है
और मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती। और किसी दिन इन्हें छोड़कर जाना पड़ा तो मैं अपने माँ बाप के घर ही जाऊंगी ना सेठ, और कहीं क्यों जाऊंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मेरे माँ बाप मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आएंगे। देखो सर, अगर आप ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं तो अपने पैसे वापस ले जाइए प्लीज। अगर इन पैसों से मेरी जान की ठीक हो सकती ना तो ले जाता। आप लोगों को भी तो चाहिए किसी अच्छे काम के लिए। रख लीजिए। और हां, तुम जैसी हो ना वैसी रहना, ये तुम्हारी अच्छाई है, कभी बदलना मत। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। मतलब एक अनाथ बच्ची को घर लाएंगे वृंदा बना के? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मैडम, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। सर तो गए थे पर उस लड़की ने साफ साफ आने से मना कर दिया। मैं वही ममता बस्ती से ये ताजा ताजा खबर आपको दे रहा हूँ। चल अच्छा हुआ तेरे मुँह से कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। लेकिन हाँ सुन, कुछ भी रहेगा ना अपडेट देते रहना मुझे, क्या चल रहा है वहां पे। ठीक है मैडम। आप बस जानकी को रोमिल के साथ मुंबई भेज दीजिए। लेकिन अगर ये इलाज काम नहीं किया तो फिर तुझे पता है कि तुझे क्या करना है। उसके बाद जानकी को तुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। माँ को क्या जवाब दूंगा? मैंने तो जानकी को भी मुंबई बुला लिया। मैं आपके साथ नहीं आ सकी, लेकिन जब तक आपकी वृंदा नहीं मिल जाती तब तक आप ये तुलसी रखिए। जानते हैं ना कि तुलसी घर के सारे कष्ट को मिटा देती है, इसलिए मैंने ये दिया। मुझे पता है गनू सेठ मुझे मेरी माँ से जरूर मिलवाएंगे, और वैसे ही गनू सेठ आपको आपकी वृंदा से जरूर मिलवाएंगे।
बेबी, मुझे तो इंतजार है उस पल का जब भाई साहब आएंगे बिना इलाज के, इतनी छोटी सी शक्ल बना के फिर यहाँ से रुखसत होगी भाभी की सवारी मेंटल हॉस्पिटल तक। और अब तो मेरे पास सबको दिखाने के लिए सबूत भी है। अब देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।